अच्छा, हमारा एक्सरेज वाला चैप्टर पूरा हो चुका था, है ना? तो अब एक्सरे वाले थ्योरी तो पूरी कर ली थी हमने, हम दो चार पांच क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एक्सरेज में से सवाल किस तरह से बनते हैं, कैसे आते हैं और क्या कैलकुलेशन होती है, ठीक है? तो ये मेरे पास एच सी वर्मा जी की बुक है, तो आप एच सी वर्मा जी का पेज नंबर 392 देखिए। पेज नंबर, ठीक है? तो 392 पेज पर एग्जांपल वन देखिए, वर्कड आउट एग्जांपल नंबर वन। सबसे पहले मैं एग्जांपल वन सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल वन कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एमिटेड बाई एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 30 किलो वोल्ट। देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, 30 किलो वोल्ट पर काम कर रहा है। जब 30 किलो वोल्ट पर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर 30 किलो वोल्ट का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वह ही क्या करेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगी। तो हमने जैसे आपको पढ़ाया था ई वी बराबर एच न्यू। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है। जब किसी इलेक्ट्रॉन पर अप्लाइड वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसमें एनर्जी इतनी आएगी, वही एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसको कहते हैं मैक्सिमम। हालांकि वो सारा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना। तो अब एच न्यू मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए एक मिनट ज़रा। हाँ जी, तो न्यू मैक्सिमम आएगा ई वी अपॉन एच। अब देखिए, ई आपका होता है 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलोम, वी आपका दे रखा है इन्होंने 30 किलो वोल्ट, है ना, 30 किलो वोल्ट, और एच आपका होता है 6.62 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 34। ये आपका न्यू मैक्सिमम आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैं न्यू मैक्सिमम लिख रहा हूँ, आप एक बार चेक करेंगे, 1.6 है ये, 6.62 है, तो आप चेक करिए 15 और 3 18 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 30 अपॉन 6.62 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 18 हर्ट्ज आया है ये, है ना। अब इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है हमको, तो 8 ये हो गया 48, एंड ये हो गया 7 7 जब 49 होता है ना, 7 7 जब 49 होता है, तो 7 point something के आसपास आना चाहिए। देखते हैं, हाँ 7.2 इंटू 10 रेस्ट पावर 18 हट जाएगा। ये आपका आंसर जो है ना इन्होंने दे रखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक की कैलकुलेशन तो करी है और उसके बाद मैंने वहाँ से आंसर देख करके यहाँ लिख दिया है, हैं? आप लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही आएगी, ठीक है? वैसे नज़र भी आ रही है वो कैलकुलेशन, देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये आपका 48 आएगा, 1.6 इंटू 30 48 आएगा। अगर ये 7 होता वो 49 होता तो 7 आता, बट इट इज़ वेरी लेस देन 7, तो 7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, राइट? चलिए अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो देखिए एग्जाम्पल 2 मैं यहीं सॉल्व करता हूँ। एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलो वोल्ट, ठीक है? अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूजेज 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू एमिट एन एक्सरे फोटोन। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसका 5% ही केवल एक्सरे फोटोन निकलता है, बाकी का मतलब नहीं हमारे को। फाइंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द फोटोन। देखिए जी, 20 किलो वोल्ट का 5% है ना, हाँ, तो 5% ऑफ 20 किलो वोल्ट, ये ही यूजफुल है मतलब। तो 5% ऑफ 20 किलो वोल्ट कितना आएगा, 5/100 इंटू 20 किलो माने 10 की पावर 3। आप चेक करिए ज़रा, मेरे को लगता है 10 की पावर 3 आ जाएगा ये, है ना, हाँ 10 की पावर 3 वोल्ट आ जाएगा, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए इसका, इसको आपको चाहिए वेवलेंथ। तो ये लो, आपको हमने लैम्डा के बारे में पढ़ाया हुआ है ना, क्या पढ़ाया हुआ है, 12 वो उसके वोल्टेज के बारे में, 12.27
अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम यूनिट पढ़ाया था शायद हमने, है ना। एक मिनट जरा, आपका ये चल रहा है ना यहाँ पे, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, तो आपका लैम्डा कितना आएगा। अच्छा ये तो एक्सरे है ना, ये तो एक्सरे है, तो एक्सरे की लैम्डा चाहिए आपको डायरेक्ट, है ना। हाँ एक्सरे की लैम्डा, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के लिए थी, है ना, एक्सरे के लिए। एक्सरे के लिए आपका लैम्डा का फार्मूला था एच सी अपॉन ई वी, और फिर हमने इसको लिखा था 1240 बटे कैपिटल वी, नैनोमीटर में आएगा आंसर, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू 1240 बटे कैपिटल वी, कैपिटल वी कितना, 10^3, यानी 1.24 नैनोमीटर आएगा बेटा। देखना जरा लैम्डा मिनिमम ये आएगा, ये आपका सेकंड वाला आ गया। हाँ आप थोड़ा सा यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान दो, एक तो होता है पार्टिकल और एक होता है फोटोन, है ना। हाँ अगर इलेक्ट्रॉन की आपको वेवलेंथ निकालनी होती है ना, तो आपका इतना आता है। चल मैं वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी ना, तो मैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि इलेक्ट्रॉन का निकालना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 5% फोटोन में कन्वर्ट हुआ है। है ना, आप ध्यान कीजिए, हमने आपको जब पार्टिकल नेचर, वो ड्यूअल नेचर पढ़ाया था, उसमें कहा था इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी होगी अगर वो वी से एक्सेलरेट हो रहा है तो। फिर हमने यहाँ पे जो है ना डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट की थी इससे, राइट, ये ध्यान है। तो ये एक्चुअल में, अच्छा इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने ये नहीं कहा इलेक्ट्रॉन का निकाल, इन्होंने कहा 5% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू फोटोन, यानी ये जो 5% है ये फोटोन में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, फोटोन की बात हो रही है, तो हम फोटोन वाला फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिए ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग सभी लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, फोटोन का निकालना हो तो आप 1240 अपॉन वी नैनोमीटर करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो आप लैम्डा इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो आप करेंगे 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर, और अदरवाइज आप उसको एंगस्ट्रॉम में लिखिए, एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, राइट। चलिए अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए एचसीवी का ही एग्जांपल नंबर 3 कर रहा हूँ मैं, एक मिनट ज़रा। हाँ चलिए सही है, देखिए एचसीवी का एग्जांपल नंबर 3 क्या है, एन एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 20 kV, 20 kV पर काम कर रही है, एंड द करेंट थ्रू द ट्यूब इज 0.5 mA। अब देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, हमने जो एक्सरे ट्यूब बनाई थी उसका बेसिक डायग्राम देखो, एक्सरे ट्यूब ऐसा था, यहाँ पर है ना फोटो, मैं सारा डायग्राम नहीं बनाऊँगा, मैं केवल जो मेरे को कंसेप्ट चाहिए वो चाहिए। यहाँ पर टारगेट था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते थे। सवाल जो यहाँ पे कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज लगाया गया है वो 20 kV है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 20 kV, यानी इन दोनों के बीच 20 kV लगाया है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं ये 20 kV एनर्जी गेन करेंगे, है ना, राइट। अब ये कह रहे हैं कि करंट थ्रू द ट्यूब इज 0.5 mA, इसका मतलब इन्होंने 0.5 mA करंट इलेक्ट्रॉन्स का दे दिया, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ये दे दिया है 0.5 mA, राइट। हाँ एक तरीके से इन्होंने ये बता दिया कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके आगे बढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये तो काम अपना हो गया, क्योंकि करंट है ना, करंट को हम लिखेंगे n इंटू ई, तो आपका n आ जाएगा i अपॉन ई, तो n आ गया आपका, i कितना है 0.5 mA यानी 10^-3, इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 × 10^-19, तो आपके पास n आ जाएगा, n आ जाएगा कितना आप कैलकुलेट करो ज़रा, 0.6 × 1.6 आ जाएगा, ये 0.5 × 1.6, और ये इतना आ जाएगा, तो ये 3 something आएगा, है ना। हाँ 3.1 × 10^15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, अच्छा ये आपके यहाँ जाएगा 16 आएगा, हाँ ठीक है 3.1 × 10^15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आएंगे, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ गया, सिंपल किया हमने, i = ne,
आई बराबर एन ई, है ना, आई बराबर एन ई ई, ये फॉर्मूला। चलिए आगे, अब दूसरा वाला सवाल देखो, इसके अंदर क्या कह रहे हैं। द एनर्जी फॉलिंग ऑन द टारगेट पर सेकेंड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सुनो, एनर्जी फॉलिंग ऑन द टारगेट पर सेकेंड, तो भैया आपको करंट दे दिया, आपको वोल्टेज दे दिया, तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड तो निकल ही जाएगी ना, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, ध्यान दो, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड तो साहब पावर होती है, एनर्जी पर सेकेंड पावर होती है, पावर होता है वी इंटू आई, खत्म। वी है आपका 20 किलो वोल्ट, 20 किलो, किलो माने 10 रिश पावर 3, आई कितना है, आई है 0.5 मिली एम्पियर यानी 10 के पावर माइनस 3, ये आप ले लो डिसम डिसम, ये आपका 10 आ जाएगा शायद, 10 वॉट आ जाएगा, है ना। चलिए अब आप देखो, ये 10 वॉट आपका आ गया, एक बार जरा, हाँ 10 वॉट यानी जूल पर सेकंड, एक ही बात है, 10 वॉट को जूल पर सेकंड कहते हैं, वॉट तो जूल पर सेकंड ही तो होता है बेटा, इसलिए ये हो गया करेक्ट। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, ये एग्जाम्पल 3 का ही पार्ट है, अब एग्जाम्पल 3 का अगला पार्ट और आएगा, तीन पार्ट है एग्जाम्पल 3 में, ए बी और एक सी और दिख रहा है मेरे को, कट ऑफ वेवलेंथ। अरे कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा मिनिमम को कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं, ये लो लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम बराबर एच सी अपॉन ई वी, तो ये आपका वही 1240 बटे वोल्टेज, चलो जी 1240 बटे वोल्टेज कितना, 20 किलो, इसको अपन कहेंगे नैनोमीटर में, आपका आंसर आएगा डायरेक्ट, तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया ये, हाँ बस कैलकुलेशन करना है अब आपको, ये आ जाएगा है ना, हाँ 0.1240 अपॉन 2 नैनोमीटर आएगा शायद, क्योंकि ये तीन तो इधर गए, यहाँ पे एक पॉइंट और लग जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। अब मैं इसको लिखूँगा 0.062 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आएगा लैम्डा मिनिमम। तो कितना आसान आसान से सवाल होते हैं एक्स रेज में, है ना, ये सब मॉडर्न फिजिक्स के सवालों में बस यही है, आपको ये 10 की पावर वगैरह देख के थोड़ा डर लगता है, बच्चों को डर लगता है ये 10 की पावर आ गया आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं करना, मस्ती मारनी है यार, है ना, बस इनके क्वेश्चन में जो आंसर्स होते हैं ना, इनमें थोड़ा 10 का ध्यान रखा करो, 10 की पावर का ध्यान रखा करो, आप अगर 10 की पावर में गलती नहीं करेंगे ना तो आपका 99% सही होगा सवाल, है ना। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल 4 देखिए जी, यहाँ कर देते हैं एक्सरेज का एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी ऑफ द मोस्टली इक्वेशन, मोस्टली इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, अंडर रूट न्यू बराबर, लो जी अंडर रूट न्यू बराबर दे रखा है ए जेड माइनस बी, ये अपने मोस्टली इक्वेशन जानते भी हैं अपन, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें देखिए आप, इन्होंने एक मॉलिब्डेनम की बात की है, एक कोबाल्ट की बात की है, इसमें 47 का है, ये वेवलेंथ बता रखी है इन्होंने, क्या बता रखी है, वेवलेंथ बता रखी है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ, ये अंडर रूट न्यू है ना, और ये है ओके, तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं बी निकाल देते हैं एक बार, है ना, फिर ये बाद में निकाल लेंगे, तो मैं इसको प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा लिख देता हूँ, हाँ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा तो लिख ही सकता हूँ मैं, राइट। अब इन्होंने क्या कर रखा है, लैम्डा दे रखा है एक का 71 और एक का दे रखा है 178, तो मैं ये कर रहा हूँ कि एक बार मोलिब्डेनम ले लेता हूँ, जेड ऑफ द मोलिब्डेनम माइनस बी अपॉन, दूसरा है जेड ऑफ कोबाल्ट माइनस बी, इट इज इक्वल टू, देखो अब इसको उल्टा लिखेंगे, अंडर रूट तो मैं लगाऊंगा, कोबाल्ट वाली वेवलेंथ ऊपर लिखूंगा और मोलिब्डेनम वाली नीचे लिखूंगा, तो 178.5 और एक है 71, बस अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ, यही अपना आंसर है, आपको वो चाहिए बी की वैल्यू चाहिए, तो जेड ऑफ द मोलिब्डेनम दे रखा है 42 माइनस बी अपॉन कोबाल्ट कितना दे रखा है 27 माइनस बी,
ठीक है जी। अब आपके पास में ये है तो आप कैलकुलेशन करना है बस। अब कैलकुलेशन देखो इसको हम कितना विजिलेंटली करते हैं, बस ये मॉडर्न फिजिक्स में जो है ना यही एक गेम है कि हाउ विजिलेंट आर यू, कैलकुलेशन कितना शार्पली करते हो आप। और ये पता है छोटी सी प्रैक्टिस से हो जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाती है। देखिए कैसे, अब ये 178.5 है। अब मैं दिमाग पता है कैसे सोचूंगा, सोचने का तरीका देखो, अगर ये 169 होता, अगर 169 होता तो कितना आता, 13 आता। और 14 होता तो ये 196 होता तो 14 आता। यानी ये 13 और 14 के बीच में आएगा ऊपर वाला, है ना, और 13 के ज़्यादा क्लोज होगा, है ना। तो मैं इसको 13.3 लिख देता हूँ, है ना। 14 वाला 196 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है जी, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, बात ये है कुल मिला करके, इसलिए ऐसे लिखा है मैंने। हाँ अब वो मैं तो ना तो उधर लिखूँ ना उधर लिखूँ, बीच में लिख दिया कुछ उठा करके। और इसके पास में ज़्यादा है 169 के, 196 से थोड़ा दूर ज़्यादा है ना। हाँ चाहो तो इसको 0.4 कर दो अगर आप ज़्यादा नाराज़ हो रहे हो तो, है ना। हाँ ये लो, अब 71 बचा। 64 होता तो 8 आता, 64 होता तो 8 आता, और अगर ये 81 होता तो 9 आता। लेकिन ये ना तो 64 है ना 81 है, तो ये बीच में है कुछ। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको 8.4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। बस अब हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा मतलब सेटलमेंट करते हैं, कुछ गड़बड़ तो करेंगे ही करेंगे, है ना। अब आप देखिए, थ्री काट नहीं सकते ना ऐसे, 21 सिक्स जो है 126 होता है, 21 फोर जो है 84 होता है, तो थोड़ा जमा नहीं। अच्छा अगर मैं इसको 24 फोर जो है 84 करूँ और उसको मैं 21 को 6 से करता हूँ तो 126 आता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना, 8 बचेगा तो फिर 4 आएगा वो, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको 4 लिख देता हूँ, इसको 4 लिख देता हूँ, और उसको लिख देता हूँ मैं 6.4 लिख देता हूँ, है। अब आप सोचो ऐसा लिख करके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। बस अब ये आप इसको वो करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो यहाँ से। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, 42 - b = 27 × 1.6 - 1.6 b, ये लो जी, है ना। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लोज। थोड़ा सा मतलब आपको अंदर से सोचना पड़ेगा मन से कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। हाँ अब आप देखेंगे इसको, तो मैं इसको इधर और इसको इधर ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ 0.6b, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 27 × 1.6 - 42। आप ये देखिए, है ना। अब देखिए ये 0.6b है, ये 27 है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये 27 है वो 1.5 है, वो 42 है, है ना। हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ इसको लिख देता हूँ 28 × 1.5 - 42, हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया काम, कुछ बचा ही नहीं है, तो जिंदा ही नहीं बचा, ये बड़ा घोटाला है। तो आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर जा करके, ये कभी कभी पता है क्या करते हैं, जो आपके एग्जाम आता है ना उसमें ये उसकी वैल्यू भी दे देते हैं आपको, किसकी, इन चीज़ों की। एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में, कि इसकी वैल्यू ये आएगी। क्योंकि अब ऐसे करना तो बड़ा, अब ये तो मुश्किल काम हो गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जीरो ही हो गया, अब जीरो हो गया, अब क्या करूँ मैं, हैं। आप कहोगे ये क्या है,
क्योंकि सर ये जो है ना केवल अप्रोच है और कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी के पास में जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी है। हाँ, थोड़ा सा एक्यूरेसी के नज़दीक जाएंगे हम, तो चलिए हम थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, देखो इधर ये 71 है, वो 178.8 है, और ये कैलकुलेशन। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैलकुलेशन इज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है, और अंडर रूट लेकर के आपको वहाँ पे उसको जो है मैनेज भी करना है। वैसे अपना जो ये सब हमने किया था ना, ज़रा 27 को अपना 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 27 को 1.6 से, एक मिनट मैं करता हूँ, 27 × 1.6, तो 27 तो 27 है। अच्छा, 27 को 0.6 से करते हैं तो कितना आता है, 27 को 0.6 से करते हैं तो 162, 135 में 27 जोड़ो, 135 में 27 जोड़ो तो 162 आएगा ना। हाँ, तो 162 आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 16.2, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3 और ये आएगा 4। हाँ, ये सही है। एक्चुअली अपन ने थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन कर दिया था, वहाँ तक तो अपन ने सही किया था, जो हमने ये किया था ना आपका वो तो एकदम ठीक था। 13.4 अपॉन क्या किया था इसको, जो है ना 8.4 किया था, ठीक है। फिर हमने इसको कर दिया था 1.6 कर दिया था, यहाँ तक हमने ठीक किया था, कोई गड़बड़ नहीं करी। आगे जाकर के हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया था अप्रोक्सीमेशन और कुछ ज़्यादा कर दिया था, तो यहाँ तक तो देखो ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है ना। 27 × 1.6, ये थोड़ा सा यहीं पे मैंने जल्दबाजी कर दी थी, गड़बड़ कर दी थी, आप वो मत करो। वहाँ तक तो हम थोड़ा सा केयरफुली चले थे, यहाँ आके हमने इसको क्या किया कि उधर से वो कर दिया, उधर से वो कर दिया, वो देखो मल्टीप्लिकेशन में 43.2 आ रहा है और ये 27, हाँ तो ठीक है, ये तो 1.6b सॉरी। फिर हमने इसको किया था 0.6b, ये 27 × 1.6 − 42, हाँ जो किया था वो वापस लिख दिया मैंने पूरा का पूरा, क्योंकि वो ठीक नज़र आ रहा है मुझे 40। एक्चुअल में वैसे जनरली तो जो ये क्या बोलते हैं ना, हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं वो ज़्यादातर ठीक ही होते हैं, इसलिए वो गड़बड़ की संभावना नहीं थी वो, तो यहाँ हम कुछ ज़्यादा ही कर गए फिर। हाँ, इसको है ना जो वो कर दिया, इसको वो कर दिया, बड़ा डिफरेंस आ रहा था तेज़ी से, 1.6.1 इधर भी खड़ा कर दिया, तो आप देखिए थोड़ा सा अब ये 43.2 आया, −42 आया, तो ये 1.2 के आसपास आया। अब ये बी आया तो 1.2/0.6 है ना, हाँ तो ये ज़्यादा ही आ रहा है, बी 2 के आसपास आ गया ये, है ना, इतना आएगा नहीं, ये इतना आएगा नहीं। इन्होंने कैलकुलेशन जो कर रखी है ना एस सी वर्मा जी ने, इन्होंने 1.37 दिया है बी की कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, ये अपना वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ये कैलकुलेशन अपनी गलत है, उन्होंने ठीक किया होगा, उन्होंने कैलकुलेटर से किया होगा जी, अपने पास कैलकुलेटर थोड़ी है, कैलकुलेटर रखते ही नहीं अपन, तो अपन तो कैलकुलेटर रखते ही नहीं है। हाँ, और कैलकुलेटर रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर रखना जिस दिन चालू कर दिया ना उस दिन आप कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तो आप देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ना ये कैलकुलेशन जो है ये गड़बड़ा रही है, आपके वो जो एग्ज़ाम में हैं वो इन चीज़ों की वैल्यूज़ दे देते हैं आपको कि इसकी ये वैल्यू है, तो आप उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है ना वो लोग देते नहीं हैं, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन देते हैं तो वो उसका अरेंजमेंट भी करते हैं, राइट। तो इसलिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका जो है ना एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे SCB का, ठीक है। हाँ, ये जो एग्जाम्पल 4 अभी जो अपन ने किया ना, इसके अंदर आपको A का भी वैल्यू निकालना है, B का निकाला था अपन ने, तो A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को ले लो और अंडर रूट न्यू है ना, अंडर रूट न्यू को आप लिखिए अंडर रूट C / लैम्डा, इट इज़ इक्वल टू A z - b,
अब आप देखो, जेड आपके पास में है, बी आपके पास में है, ए आपको निकालना है, सी आपको स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10^8, और आपका जो ये लैम्डा है वो आपको दे रखा है। किसी के लिए भी निकाल दो आप, मोलिब्डेनम के लिए निकालो तो मोलिब्डेनम का जेड रखो, कोबाल्ट के लिए निकालो तो कोबाल्ट का जेड रखो, आंसर सेम आएगा, है ना, क्योंकि बी हमारा अकॉर्डिंगली आया है, राइट। चलिए तो वो आप कर लीजिए इसमें, है ना, कैलकुलेशंस करनी है खाली। नेक्स्ट, ये आपका एग्जांपल नंबर 4 का ही पार्ट था, अब एग्जांपल नंबर 5 पर आइए। एग्जांपल नंबर 5 ये कह रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5 में के अल्फा एक्सरे ऑफ मॉलिब्डेनम हैज वेवलेंथ 71 पिकोमीटर, ठीक है, 71 पिकोमीटर, पिको माने 10^-12। इफ द एनर्जी ऑफ अ मॉलिब्डेनम फोटोन, मॉलिब्डेनम एटम विथ के इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज दिस, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दिस विथ एल इलेक्ट्रॉन। अच्छा 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 अच्छा, देखो जी बात यह है, के अल्फा बनता कब है, के अल्फा तब बनता है, के अल्फा तब बनता है जब L से K में ट्रांजिशन होता है। इसका मतलब L और K का एनर्जी डिफरेंस दे रखा है इन्होंने। देखो जी इधर देखो, एनर्जी ऑफ L माइनस एनर्जी ऑफ K, एनर्जी ऑफ L माइनस एनर्जी ऑफ K, है ना, ये आपकी जो एनर्जी आएगी ना वो फोटोन बनाएगी एक्चुअल में, उसके कारण फोटोन बनेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा L से K की तरफ जाएगा तो K अल्फा बनता है, और K अल्फा को इन्होंने लिख रखा है 71 पिको मीटर, तो अपन कहेंगे इसको HC/λ, ये आएगा, है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ अपॉन इलेक्ट्रॉन में भी भाग ही लगा दो E का भी, तो ये आएगा 1240, है ना। अब आप देखो इसकी लैम्डा दे रखिए 71 पिको, इसका मतलब 0.071 नैनोमीटर दे दी, ये हमारे को चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा तभी आता है जब नैनोमीटर में रखते हैं, है ना, जब 1240 में हम नैनोमीटर का भाग लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो इसलिए 0.71 पिको मीटर था ना, उसको मैंने 0.071 नैनोमीटर लिख दिया, ठीक। चलिए आप देखो, अब आप देखिए आपको EL माइनस EK, L से K में आता है ना, भाई L की L ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी और K ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, राइट। तो ये जो है L में से K में गया, आपका ये रिजल्ट आया, तो अब आपको K आना चाहिए तो L आएगा, आपको तो L ज़्यादा आना चाहिए ना, इन्होंने L कम दे रखा है, चल मतलब क्या है इनका, इफ द एनर्जी ऑफ मॉलिब्डेनम एटम विद ए के इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज दिस, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ दिस एटम व्हेन L इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट। इसका सेंस जो है ना, देखो आपको मैं बताऊं, जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की एनर्जी सबसे नंबर वन ऑर्बिट जो होता है उसमें सबसे कम होती है, हाँ, टोटल एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो नंबर वन वाले में कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 2 वाले में कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा बड़ा है, -13.6 बड़ा है कि -3.4 बड़ा है, है ना, ये मेरे को लग रहा है कुछ बोल रहे हैं एटम की एनर्जी, ये एटम की एज अ होल एनर्जी बोल रहे हैं, शायद ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए ये एटम की एनर्जी बोल रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, हम इसको लिख रहे हैं EL माइनस EK, है ना, इन्होंने लिखा है EK माइनस EL, ठीक है, इन्होंने ऐसा लिखा है। आपको मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो आपके एग्जाम में सिचुएशंस आएंगी केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में दोनों में, तो उसमें शायद ये वाला जो लिखना है ना
ये वाला लिखना रेयर होगा, रेयर होगा ये चीज, क्योंकि एटम की एनर्जी एज अ होल नहीं लेंगे हम, जो एनर्जी लेंगे ना वो ऑर्बिट की ही लेते हैं, और ऑर्बिटल ट्रांजिशन के कारण ही फोटोन का एमिशन होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो है, अगर मान लो आपका 2 से 1 में आया है तो आपको एनर्जी 2-1 लिया जाएगा वो, और वहाँ लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की कम होती है एनर्जी और 2 की ज़्यादा होती है। ऑर्बिट जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाते हैं उसी, इसीलिए तो उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, वाई वी कॉल इट एक्साइटेड स्टेट, है ना। एक्साइटेड स्टेट बोलने का मतलब ये कि एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन आज इन्होंने इस सवाल के अंदर ऐसा किया है, जब ऐसा किया है तो अपने आप ही आपका जवाब आ जाएगा। ई एल बराबर क्या आएगा, ई एल बराबर आ जाएगा आपका कितना, ई के माइनस 1240 अपॉन 0.071। आप देखिए ई एल, मैं आपको ई के की बात बता रहा हूँ, ई के कितना है, ये ई के है ये 23.32 है बेटा, 20.32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये है। और माइनस अब ये इसके अंदर आ जाएगा जो भी आना है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे आपने इसको यहाँ से ये उड़ाया पॉइंट, ये वाला पॉइंट उड़ाया, तो किलो तो आ ही गया पॉइंट उड़ाते ही। अब 71 से आप इसको डिवाइड करो, 71 से डिवाइड करो, तो 71 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आएगा, और 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 20 से कम आएगा, तो इट विल कम अराउंड 17 के आसपास, 17 के आसपास आएगा, 17-18 के आसपास आएगा, है ना। तो ये 17-18 के आसपास आएगा, तो ये जैसे आपने मान लो 18 पॉइंट कुछ लिखा, अब आपका आंसर जो है ना ये आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ, कितना, 5.82 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है इन्होंने, इसको इन्होंने 17.5 लिखा है, ये लिखा है इसको, ये डिवाइड करके, है ना। तो ये आप कैलकुलेशंस आपको करनी होगी, चेक करिए आप लोग, ये आप जो है ना इनका मतलब, जैसे मैंने कहा कि ये एग्जांपल 5 है, तो आप उनका बाकायदा खोल करके, बुक खोल करके किया करो, चेक किया करो पूरा। चलिए एग्जांपल 6 देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 है ना, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाली जो कैलकुलेशन एस सी वर्मा जी ने की है, इट इज रेयर केस में, ये रेयर केस है, है ना। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि एस सी वर्मा जी ने कर दी तो बस हो गया कोई बड़ी बात, ना ना कुछ नहीं, वो होगा नहीं, ये आपके यही कैलकुलेशन आपको मैक्सिमम टाइम पे करनी होगी, और एक्चुअल में एग्जाम में देंगे भी। वो एटम की एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, एटम की एनर्जी क्या होती है, एटम की एनर्जी को इस तरह निकलती है, एटम तो बहुत बड़ी एनर्जी होती है, एटम का कोई, एटम की एनर्जी लिखने का तरीका ही नहीं है ये इन्होंने बिल्कुल जो लिख रखा है ना उसकी कोई सेंस नहीं है इनके लिखने का, एटम की कोई एनर्जी नहीं होती इस तरह से, कि के अल्फा निकल गया उस एनर्जी की, एटम की एनर्जी हो गई ये, हो ऑर्बिट की एनर्जी होती है केवल, और ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी होती है, एटम की एनर्जी नहीं निकाली जा सकती इस तरह से, इनके लिखने से कुछ नहीं होता कि ऐसे वर्मा जी लिख देंगे वो हो गया। शो दैट द फ्रीक्वेंसी के बीटा एक्सरे ऑफ अ मटेरियल इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी के अल्फा। हाँ, ये तो देखिए हमेशा एनर्जी का सम तो होता ही है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि आप जैसे ये देखो, ये मान लीजिए आपके ऑर्बिट्स हैं, मैं आपको ऑर्बिट्स बनाता हूँ, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ऐसे है। मैं आपको जनरलाइज चीज कर देता हूँ एकदम, जैसे मान लो ये आपका K है, ये L है, ये M है, ये N है, राइट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं K अल्फा, और अगर यहाँ से यहाँ आता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं K बीटा, और अगर यहाँ से यहाँ आता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं K गामा, करेक्ट। ये तो आपके हो गया, तो ये के अल्फा हो गया। अब मैं ये कहता हूँ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल अल्फा, और यहाँ से यहाँ आता है तो इसे क्या कहते हैं, एल बीटा कहते हैं, करेक्ट। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि के बीटा इक्वल टू क्या आएगा,
के बीटा इक्वल टू आएगा के अल्फा प्लस एल अल्फा। चेक करो, सोचो के बीटा, इसका और इसका सम आएगा, इसका इसका सम आएगा एनर्जी का, एनर्जी का। और आपको पता है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एच न्यू होता है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच न्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो न्यू बीटा है वो आपका न्यू अल्फा, न्यू के अल्फा के बीटा, न्यू के बीटा, न्यू के अल्फा, न्यू एल अल्फा आएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें आएंगी, है ना। हाँ, अब देखो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका जैसे के गामा है, तो के गामा जो है इसका सम जो है ना वो लेनी पड़ेगी, एक के गामा लेना है ना आपको, के गामा लेना है, तो आप लिख सकते हैं के गामा को के अल्फा प्लस एल बीटा, के गामा को आप लिख सकते हैं के अल्फा प्लस एल बीटा, जिससे वो कंप्लीट आ जाए एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ भी नहीं है, ये आपका एग्जांपल सिक्स हो गया, ठीक है। और इस तरह की बड़ी, ये बड़ी जनरलाइज बात है, ये होती ही होती है, करेक्ट। चलिए, हाँ जी, तो देखो हमने अभी ये एच सी वर्मा जी के जो है ना एक्सरेज के वो कर लिए, एग्जांपल्स कर दिए। अब आप एक्सरेज के सारे क्वेश्चंस कर डालो, एच सी वर्मा जी के भी, और जो आपको डीपीपी भेजी है उसके भी कर डालिए, और इसके भी कर डालिए। हमारा अगला टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, आप सब लोग जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले वो आया था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जानते हो ना। हाँ, उसका कोई सेंस ही नहीं था, सेंसलेस मॉडल था, हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, ऐसे ही भैया पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स रहते हैं, लड्डू बना देते हैं, बस हो गया। रदरफोर्ड मॉडल आया, तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या प्रॉब्लम आई थी, रदरफोर्ड मॉडल में ये प्रॉब्लम आई थी कि वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी, कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो नेचुरल है कि रेडिएशन निकलेंगे, तो उस रेडिएशन के लिए एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा था, वो रदरफोर्ड मॉडल की बात थी। बाद में बोर साहब आए, बोर साहब ने भी बोला कि भाई जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग स्टेबल ऑर्बिट होती हैं, तो स्टेबल ऑर्बिट्स की बातें बोर्स ने कर ली, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया। वो हमने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था कि जो वेव बनती हैं वो स्टेशनरी वेव बनती हैं, और जो है इसलिए वो एस्टैब्लिश हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आज का जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो बेसिकली बोर के मॉडल पर बेस्ड है। बोर के मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कि केवल वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल था। तो कल हम जो है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को चालू करेंगे और सिंगल एटम पर बात करेंगे, राइट। हाँ, तो सिंगल एटम पर बात करके उसके बाद में हम उसको मल्टीपल एटम पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोर वाली बात को हम उसको जो है ना बड़े सिस्टम पर भी अप्लाई करेंगे, जैसे सन अर्थ सिस्टम पर भी अप्लाई करेंगे, राइट। तो वो सब चीज़ें हम कल करेंगे, कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, राइट। ओके, ये आप डाउट्स धीरे धीरे करने चालू कर दो, ठीक है। अब ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ना वो काफ़ी हो गई है।